जहाँ से हम लोग निकले, जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं, पूरा वहाँ तक इन्हीं की हुकूमत थी। मैं पीयूष। मैं शैलेश। मैं श्याम जी। दोस्तों आज हम तीनों लोग आपको सैर कराने वाले हैं हंसवर की, बसखारी टू हंसवर। हमारा एक वीडियो आया था यूट्यूब पर जो नई बाज़ार तक था, गायत्री मंदिर से नई बाज़ार तक। अब हम आप लोगों को सैर कराने वाले हैं नई बाज़ार से हंसवर तक की। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, और इस वीडियो के साथ साथ कुछ स्थलों की और सैर कराना चाहेंगे जो रास्ते में पड़ते हैं, तो उसको बताएंगे। दोस्तों जो जैसा कि पीयूष सर बता रहे हैं कि विभिन्न स्थलों पड़ेगा असल, जैसे मकोइया हो गया, सिंहपुर हो गया, हंसवर, तीनों तीन एक विशेष नामों से जाना जाता है। हंसवर जो हो गया आपका मकरही, हंसवर जो हो गया वो कोठी के नाम से जाना जाता है, और कपड़ों के विषय में जाना जाता है, वहाँ रेशमी कपड़े ज़्यादा बनते हैं, कपड़ों के विषय में जाना जाता है। और मकोइया जो आपका हो गया ये हैडिल के नाम से जाना जाता है, वहाँ बहुत बड़ी हैडिल है जिससे वहाँ करीबन 22 ग्राम सभों को लाइट मिलती है, 22 ग्राम सभों को लाइट मिलती है। और वहाँ एक ITI भी है, राजीव गांधी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी है। जो दोस्तों सिंहपुर है ना, वो सिंहपुर हमारे स्कूलों के नाम से जाना जाता है, जहाँ रजत महिला महाग्रुप की काफ़ी स्कूलें ज़्यादा हैं वहाँ। तो दोस्तों मैं वीडियो से अपना अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँगा, रोमांचक बनाऊँगा। और हाँ दोस्तों, अगर पसंद आएगा आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए वीडियो। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, उसमें इतनी रोचक रोचक चीज़ पाएंगे आप कि जान नहीं पाएंगे। शुरू से लेकर आप अंत तक देखते रहिएगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट को भगाना मत, देखते रहिएगा आप। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हंसवर जाने वाली रोड पर। आप देख सकते हैं आगे एक गेट लगा हुआ है बड़ा सा, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI है। इसके अंदर सीधे रोड पर जाएंगे तो हंसवर पड़ेगा। हंसवर जाते समय हम लोग आपको दिखाएंगे, जैसा पहले बता चुके हैं, सिंहपुर और मकोइया गांव को भी दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग ये बताएंगे कि हंसवर की समझिए इतिहास, मतलब ये हंसवर के लोगों का 1857 में क्या 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 हुआ। और हाँ दोस्तों, इतिहास बताएंगे तो, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा आप लोगों की चीज़ दिखाएंगे। दोस्तों हम लोग अपनी सवारी पर चढ़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं सवारी से धीरे धीरे। पूरी रोड खाली पड़ी है, सुबह का समय है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है राजकीय औद्योगिक, जैसा मैंने पहले बताया था, ये आईटीआई है, स्टेट का आईटीआई है, गवर्नमेंट आईटीआई लिखा है ऊपर आलापुर। तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है छात्राओं को, कैसे जो छोटे मोटे औद्योगिक स्किल सीख सकें, डेवलप कर सकें इंडस्ट्रियल स्किल, ताकि देश में भी अपना योगदान दे सकें। तो दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। दोस्तों यहाँ हाइडिल थी, मकोइया हाइडिल है, इसके अंदर थोड़ा चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से बिजली सप्लाई होती है जो आलापुर ब्लॉक और बसखारी ब्लॉक के आसपास सभी गाँव में, लगभग 150 गाँव होंगे जिसमें बिजली सप्लाई होती है। तो इसको थोड़ा सा नज़ारा इसको भी दिखाते हैं। यहाँ ये मुख्य द्वार पर इसके मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर चल रहे हैं परिसर के हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ढेर सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं इस तरफ, ये देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर ढेर सारे लगे हुए हैं। इसके उधर भी एक दूसरा इसका परिसर है, तो वहाँ पर काफ़ी ढेर सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो यहाँ से बिजली सप्लाई होती है, बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बसखारी ब्लॉक और आलापुर ब्लॉक में। दोस्तों दूर से ही दिखा रहे हैं, पास जाने पर हो सकता है करंट लग जाए, तो इसीलिए आपको थोड़ा दूर से ही दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आप अपने रोड पर और सीधे हंसवर की तरफ रुख करते हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं लिखा है रॉयल मैरिज हॉल, अब गांव में भी मैरिज हॉल बनने लगे हैं ताकि सुविधा अच्छी हो। और इसके आगे है एक स्कूल दिख रहा है। गाँव में भी थोड़ा थोड़ा सिटी का कल्चर आने लगा है, तो आगे बढ़ रहे हैं। एक स्कूल जो दिख रहा है, वेस्टर्न हिल्टन स्कूल लिखा हुआ है मकोइया, ये है बसखारी में भी है, इसकी एक ब्रांच है मकोइया की, ये है स्कूल, काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है इसका, वेस्टर्न हिल्टन स्कूल मकोइया था ये। आगे इसके बढ़ते हैं हम लोग। मकोइया जैसे देख सकते हैं गांव का बोर्ड लगा हुआ है, मकोइया गाँव आ गया है, ये है मकोइया गाँव। आप गाँव के कुछ नज़ारे देख पा रहे होंगे, छप्पर है और खप्पड़, मकोइया गांव है।
से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटी सी मंदिर भी है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नगर पंचायत भवन मकोइया, ये था लिखा था आगे। प्राइमरी स्कूल था ये, ये भी प्राइमरी स्कूल है। यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग गांव पे पुल पे बैठे हुए हैं और यहाँ मछली निकाला जा रहा है, बरसात का सीजन है तो यहाँ रुकते हैं, थोड़ा नज़ारे यहाँ के भी देखते हैं। गांव में आपको ऐसे पुल मिल जाएंगे, दोनों तरफ पुल होते हैं, लोग बैठ के अपनी बातें करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। यहाँ पर राजनीति की बात होती है, मोदी योगी की बात होती है, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ नज़ारा दिख रहा है। यहाँ मछलियाँ कुछ निकाली गई हैं। मछली कौन सी मछली है भैया? ये बढ़ना पढ़ना मछली। अच्छा, खासियत क्या होती है इसकी? एक कांटा होता है। अच्छा, एक कांटा होता है। अच्छा, चलिए देखते हैं। इधर मछली कुछ लोग निकाल रहे हैं, कुछ मछुआरे। ये बरसात का पानी रुक गया है, इसमें कुछ तालाब से और नदियों से मछलियां आ गई हैं, तो इसको निकाल रहे हैं लोग। निकाल के बेचते हैं, खाते हैं लोग? खाते हैं। अच्छा, खाते हैं, बेचते भी हैं। अच्छा, गर्मी में सूख जाता है, जब बरसात आता है तो पानी आ जाता है, मछलियाँ भी आ जाती हैं। ये चलिए, कितने के दे रहे हैं भाई? अच्छा, 200 रुपये किलो। अच्छा, 1 किलो 200 रुपये। अच्छा, महंगा दे रहे हैं यार। दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देख रहे होंगे आप, एक टेंट लगा हुआ है, यहाँ भी पंडाल है। और आप देख रहे होंगे नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ बैठाई जाती हैं, ये पंडाल लगा हुआ है। और इधर लाइट लगी हुई है। धारूपुर एक गांव है, एक गांव का नाम है धारूपुर। एक गांव का छोटा सा चौराहा है, ऐसी दुकानें लगी होती हैं। भारतीय गाँव में लगभग सभी गाँव में एक छोटा सा चौराहा होता है, ऐसी दुकानें होती हैं। गांव शुरुआत हो रहा है, गांव का कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इस पे बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कटोखर चौराहा, ये दोस्तों सिंहपुर चौराहा। यहाँ भी शायद कोई मूर्ति लगी हुई है, गाना बज रहा है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, देख सकते हैं मत्स्य पालन किया जाता है, पानी बरसात का भर गया है, यहाँ से भी मछली निकाली जाती है। दोस्तों, यहाँ बोर्ड लगा है रजत महिला महाविद्यालय गौतम बुद्ध शक्तिपीठ, तो रजत कॉलेज, इसके कई ब्रांच हैं। और चौराहा गोहिला लिखा हुआ है, ये गांव गोहिला हुए, सिंहपुर चौराहा है, गोहिला गांव है। देखिए एक पंडाल यहां पर भी लगा हुआ था मूर्ति, जैसा नवरात्रि का मौसम चल रहा है जैसा मैंने बताया, उसी वजह से ये मूर्तियां ज़्यादा लगी हुई थी। दोस्तों, ये सिंहपुर चौराहा था। जब मैंने इसका पहली बार नाम सुना तो मुझे लगा कि ये सिंहपुर लोग कह रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि ये सिंहपुर मोबाइलपुर के नाम से कौन गांव बनने लगी, तो बाद में पता चला कि ये सिंहपुर गांव है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सिंहपुर गांव था। तो एक थाना है, थाना लिखा हुआ है हंसवर, यहाँ से हंसवर थाना लग जाता है, इसका बोर्ड लगा हुआ है। ये शायद थाना ही था, हंसवर थाना ही था, हंसवर थाना था। आगे यहाँ एक और पंडाल आ गया, एक मूर्ति बनी हुई है। ये कटोखर चौराहा, यहाँ लकड़ी का काफी ज्यादा काम होता है, लकड़ियाँ काफी ज्यादा रखी हुई है। एक बाग देख सकते हैं, बहुत बड़ी बाग है, आम की बाग है यहाँ पे। डॉक्टर चमार साहब अस्पताल भी यहाँ पर है, ये हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर चमार साहब हॉस्पिटल था। आगे बढ़ते हैं, चौराहा देख रहे होंगे आप, ये कटोखर चौराहा है बोलते हैं, इसके बाद आएगा हंसवर। एक पेट्रोल पंप भी यहाँ पे खुल गया है, नहीं तो दोस्तों हंसवर तक कोई पेट्रोल पंप तो नहीं था, एक छोटा सा पेट्रोल पंप खुल गया है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और यहाँ से दो तीन रास्ते निकले हुए हैं, आगे दिख रहा है, आगे वाली रोड ही जाती है टांडा, आगे दिखा रहे हैं आपको। ये मेन कटोखर चौराहा है, ये जाती है रोड टांडा और इस तरफ जाती है रोड रामनगर की तरफ, रामनगर जाती है और ये जाती है टांडा। कौन? हाँ दोस्तों, ये एक शॉपिंग मॉल खुल गया है, ये फाइन फेयर शॉपिंग मॉल है हंसवर, ये कटोखर चौराहे पर खुल गया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है।
काफ़ी मॉडर्न व्यू दिया है, सिटी का व्यू दिया है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इधर टांडा हीरापुर बाज़ार और इधर रामनगर की तरफ रास्ता जाता है। इस तरफ देख रहे होंगे आप, रामनगर की तरफ जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इसके, अभी दुकानें खुली नहीं है, सुबह का टाइम है। हंसवर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरफ टांडा जाता है उसी तरफ हंसवर भी जाता है ये रोड। कुछ छोटी मोटी चाय पानी नाश्ता वाली दुकानें खुली हैं और बाकी दुकानें बंद हैं। दुकानें लगभग यहाँ पर 9-10 बजे खुलती हैं। दोस्तों हंसवर में हम लोग आ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये है बैंक ऑफ बड़ौदा हंसवर शाखा। एटीएम भी लगा हुआ है इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा हंसवर का है। तो आगे चलते हैं, यहाँ भी सांग चल रहा है, यहाँ भी पंडाल लगा होगा। आपने अब तो 3-4 पंडाल देख चुके होंगे, यहाँ भी एक पंडाल लगा है, अभी उसको अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों ये भी पंडाल लगा हुआ है, ये भी पंडाल है दुर्गा जी का। आगे बढ़ रहे हैं, दोस्तों ये जो देख रहे होंगे आप, अभी ले चल रहे हैं आपको मकरहि। जो रजवाड़े थे, जो जमींदार थे, उनकी जो बिल्डिंग जो उन्होंने उनके द्वारा बनवाई गई है, ये सब उन्हीं के द्वारा बनवाई गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये फिर बाद में इसका रिपेयरिंग कर दिया गया है, ये सब उन्हीं के द्वारा। अब ये दुकान पे रख दिया गया है, इसको दुकानें यहाँ दुकान वाले यूज़ करते हैं। इसका किराया भी सुनने में आया थोड़ा कम है। इतने समय जो यहाँ की देख रेख करते हैं नरेंद्र कुंवर हैं, जो इसके मालिक हैं, इनकी वंशज जमींदार शायद जमींदार थी यहाँ की। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसके अंदर जो मेन बिल्डिंग इसकी बनी हुई है, ये देख रहे होंगे, ये एक कोठी कहा जाता है यहाँ पे, कहा जाता है इसको। आप देख रहे होंगे काफ़ी नज़ारा, काफ़ी पुराना व्यू लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो नज़ारा देख पा रहे हैं आप, ये है मकरहि जमींदार के समय की बने हुए बिल्डिंग्स। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, तो मेरे साथ देने के लिए आ रहे हैं शैलेश सर, तो ये बताएंगे इसके बारे में, इनकी जानकारी भी इनको काफ़ी अच्छी है। तो लीजिए शैलेश सर, आप कुछ बताइए। हेलो दोस्तों, जैसा कि पीयूष सर ने बताया कि इसके वर्तमान समय जो इसके संरक्षक देख रेख हैं ए नरेंद्र कुंवर हैं। इसको एक दफ़ा बेचा भी गया था आदित्यनाथ योगी के हाथ से, जब आदित्यनाथ योगी गोरखपुर के सांसद थे, लेकिन उस पर स्टे नरेंद्र कुमार सिंह ने और उनके भाई ने स्टे मुकदमा लगा दिया, उसके बाद उन्हें नहीं मिल पाया। और ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके जहाँ से हम लोग निकले, जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं, पूरा वहाँ तक इन्हीं की हुकूमत थी। और सन 1857 के महासंग्राम में इन्होंने भाग भी लिया था। और यहाँ के लोकल इनके सेनापति जो थे, जो सैयद हुसैन अली थे, वो भी इन्होंने 1857 के संग्राम में भाग लिया था। उनके भाई थे सैयद अब्बास अली, वो भी भाग लिए थे 1857 की क्रांति में, जो देश के आज़ादी को दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था। और इसके जो पहले संरक्षक तो रानी थी। तो सर आपका नाम क्या है? प्रदीप। सर का नाम प्रदीप है, आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? अरे हम बचपन से यहाँ रहते हैं। यहाँ बचपन से, जैसे आप यहाँ बचपन से रहते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये बहुत बड़ा कोर्ट था, यहाँ का रियासतदार जो था है नरेंद्र बहादुर सिंह था, राजा जो था। उसके बाद सब रहते थे अंदर, बहुत बड़ा हाथा था, सात अंगना कुआँ था। अंदर सात कुआँ था। और इतने समय इसके वर्तमान में कौन है? उनके छोटे भाई हैं नरेंद्र कुमार सिंह। वो कहाँ रहते हैं? रानी जी है कि नहीं? लखनऊ। रानी जी लखनऊ में रहते हैं। बताइए, जैसे ये कोठी है, ये उनका यहाँ लोग रहना चाहते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट हो गया? ये नहीं है, यहाँ रहते हैं। यहाँ रहते हैं।
इसको कभी बेचा नहीं गया? नहीं नहीं, सुनने में आया था कि एकदम इसको आदित्यनाथ योगी ने खरीद लिया था। नहीं नहीं बेचा गया है, और जो मार्केट है सब सब इन्हीं का है। दोस्तों जैसा कि आप लोग मार्केट के नुमा आते जो देखे थे, जितना कमरा बना देख लीजिए कमरा जो है, इनकी विरासत कहाँ तक थी? इनकी विरासत राजे सुल्तानपुर था। इनकी विरासत जो थी दोस्तों राजे सुल्तानपुर, जैसा था राजे सुल्तानपुर जहांगीरगंज के पास पड़ता है और बस्कारी की तरफ भी थी। हमारा एक वीडियो था टांडा हाईवे का, आप टांडा हाईवे देखे ना, टांडा हाईवे एक गाँव था ढिलवाड़े साबुपुर, वहाँ तक इनकी रियासत पूरी थी। वहाँ भी एक टीला बना है इन्हीं के रहने वालों के लिए बना है। अभी इसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। खलना था उसके क्या होता था? जैसे वहाँ नौकर चाकर रहते थे, आप अपना भी जाते थे वहाँ विश्राम करते थे, देखभाल करके चले आते थे एक घंटे में। जैसा कि दोस्तों ये बता रहे हैं कि यहाँ वहाँ नौकर चाकर थे, मतलब इनके कहने मतलब कि वहाँ नौकर चाकर इसलिए थे कि अगर उन्हें कोई आवश्यकता पड़े इन्हें तो उनसे कहें वहाँ से आदमियों को लेकर आएँ यहाँ मजदूरी करवाएँ, यहाँ खेती बाड़ी करवाएँ। तो सर ये जो खुला है क्या ये डाकघर इसमें आ गया है? देखिए हाँ, इसमें इसका जो कमरा बना था इसका यूज कर रहे हैं डाकघर में। इसमें तो रह नहीं रहे हैं लेकिन इसका जो कमरा बना है हर एक चीज़ के रूप में यूज कर रहे हैं, डाकघर के रूप में यूज कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी कोठी देख ही रहे हैं, वो हर लोग फैमिली वाले भी रह रहे हैं। डाकघर है, बिजली घर है इसी में। हाँ, इसी में दोस्तों बिजली घर भी है। यहाँ देख लीजिए इस वाले में जो पड़ा है इसमें बिजली घर भी है। धन्यवाद बताने के लिए। इधर राशन बढ़ता है। अच्छा, इधर राशन बढ़ता है। क्या राइस मिल की गल्ला गल्ला वाला है? गल्ला वाला गल, यहाँ गल्ला वाला बताया, जैसे बताया थे पिस्टर में गल्ला वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये जो राजा थे उनकी पूरी मार्केट, उनके घर के सामने बहुत बड़ी मार्केट लगती है, कमरे बने हुए हैं, उसको दिखाने जा रहे हैं तो पूरा दिखाएंगे आपको, देखते रहिएगा कितना बड़ा है। उनकी खुद की ये मार्केट है, इन्होंने खुद बनवा रखा है, लोगों को सस्ते दाम पे दिया है ये, तो देखते रहिए पूरी मार्केट उन्हीं की है। जो राजा के वंशज हैं उन्हीं की ये पूरी मार्केट है, कमरे सब उन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। समय को बदलते हुए इन्होंने अपने जगह का यूज किया है, अच्छे से यूज किया है ताकि छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोगों को ये काम आ सके, ये जगह लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ भी जो कमरे बने हैं यहाँ तक है ये। दोस्तों जो लाल रंग के देख रहे हैं, लाल रंग से लगे हुए सब उन्हीं के मार्केट हैं, इधर से उधर आगे से लेके पूरा यहाँ तक है लाल रंग से जो बनी हुई है। पीछे भी आपको दिखाया था मैंने, यहाँ तक सब उन्हीं की दुकानें हैं, कमरे उनके हैं, दुकानें नहीं हैं, दुकानें तो यहाँ आसपास गांव के लोगों की हैं। यहाँ स्वर में चल रहे हैं हम लोग, ये रोड पूरी जाती है टांडा। अगर आप इस रोड पे चले जाएंगे, जैसा मैंने पहले ही बताया था चौराहे पर, ये है टांडा पूरी रोड जो जाती है। यहाँ भी पंडाल लगे हुए हैं काफ़ी, यहाँ भी पंडाल देखा आपने। यह यूनियन बैंक कटोखर शाखा ये थी। ये होटल शालीमार, ये होटल खाने पीने के लिए, होटल रुकने वाली व्यवस्था नहीं। ये है एम जुहा जूनियर हाई स्कूल था ये। दोस्तों ये है भूलेपुर, ये हंसवर के थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे कई दुकानों के बोर्ड पे लगे हुए हैं भूलेपुर हंसवर। तो दोस्तों यह जो मिलहक पहलवान विधायक निवास शायद यहीं रहते हैं, वो पहले विधायक थे इस एरिए के। दोस्तों अब यहाँ से भूलेपुर स्टार्ट होता है, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।